अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पैनकेक्स की रेसिपी। बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी पैनकेक्स बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आसान भी बहुत है। घर में ही मौजूद चीज़ों से आप पैनकेक्स बना सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, दोबारा आपको मार्केट से जो बॉक्स मिक्सचर मिलता है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैनकेक्स बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून आपको चाहिए होगा नमक। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 कप नीम गरम दूध, 1 अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, 2 टेबलस्पून आपको अनसॉल्टेड मक्खन चाहिए होगा पिघला हुआ और इसके अलावा 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर आप एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने एक बोल में छान लेना है। तो सबसे पहले जाएगा मैदा, साथ में ही शामिल कर दें चीनी, बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लें। अच्छे से छानने के बाद एक विस्क की हेल्प से इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद एक सेपरेट बोल में सबसे पहले शामिल करें दूध, इसमें शामिल करें वनीला एक्सट्रैक्ट, साथ में ही मक्खन भी शामिल कर दें और 1 अंडा भी शामिल कर दें और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब इस मिक्सर में जो पहले से मैदे का मिक्सर तैयार करके रखा था उसको आप 2 हिस्सों में यानी आधा आधा करके शामिल करें और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको जस्ट मिक्स करना है, बीट नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप बीट करेंगे तो पैनकेक्स जो है वो हार्ड बनेंगे, तो इसलिए आपने इसको जस्ट मिक्स करना है। अब दूसरा हिस्सा भी शामिल करके इसको मिक्स कर लें। पैनकेक का बैटर बिल्कुल तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस मिक्सचर को 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ दें। मैं आपको 2 तरीके से पैनकेक बनाना बताऊंगी। तो मेथड नंबर 1 में मीडियम हाई हीट पे पैन को हीट करें, थोड़ा सा ऑयल ब्रश करें और 1/4 कप बैटर का भर के पैन के ऊपर डाल दें। जब आपको पैनकेक के ऊपर इस तरह से पोर्स या आप कह लें कि बबल्स नज़र आने लगें तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। मीडियम हाई हीट पे आपने पैनकेक्स की कुकिंग करनी है और ये देखें कि दूसरी साइड से भी ये पक गया है। अब आप इसको उतार लें। मेथड नंबर 2 में आप क्या करेंगे, नॉनस्टिक पैन के ऊपर आप तेल ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1/4 कप बैटर का भर के आपने पैन के ऊपर डाल देना है और जब आपको इस तरह से बबल्स नज़र आएं तो आपने पैनकेक की साइड को चेंज कर देना है और ये देखें लुक का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल से बना लें या बग़ैर ऑयल के आपको पैनकेक का लुक ऐसा मिलेगा, लेकिन खाने में दोनों ही लाइट और फ्लफ़ी होंगे। होममेड बहुत ही लाइट फ्लफ़ी और सॉफ्ट पैनकेक्स तैयार हैं। गरम गरम पैनकेक्स के ऊपर मार्जिन या बटर लगाएं, ऊपर से शहद या मेपल सिरप ड्रिजल करें और गरम गरम कॉफ़ी या चाय के साथ इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।